हर एक दिन कमेंट के बाद कमेंट कि भाई कोई ई कॉमर्स रिलेटेड बताओ, भाई हम लोग अमेजोन पर प्रोडक्ट कैसे सेल करें, भाई प्रोडक्ट कहाँ से उठाइए, बेस्ट साइट जो कि मतलब बढ़िया कोई साइट बताओ जहाँ से हम लोग प्रोडक्ट इजी से सेल करें। तो आप लोगों का कमेंट देख के मैंने मेरे को और नहीं रुक पाया, मैंने खुद बता रहा हूँ। फाइनली आप लोगों के लिए लाइव प्रोसेस बताने जा रहा हूं कि अमेजोन के अंदर आपको लाइव कैसे सेल करना है, प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है, क्या आपका जीएसटी जरूरी है, क्या आपका शिपिंग चार्जेस आप कस्टमर से कैसे तरह लेंगे, कौन सा स्टेट में सेल करेंगे, कहां पर प्रोडक्ट रखेंगे, सारा कुछ डिटेल लाइव वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इस 12, 14, 15 मिनट जो भी वीडियो बनने वाला है, जितना लंबा इस वीडियो का अगर एंड तक आज आप लोग देख लेंगे तो 100% ये गारंटीड बता रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट के साथ मतलब अमेजोन की प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के बाद कैसे ऑर्डर आते हैं ये भी चीज थोड़ा बहुत टच किया इस वीडियो के अंदर। मैं 100% गारंटीड ये बता रहा हूं कि एंड तक अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो आप इजी से 15 से 20 मिनट के अंदर अपना खुद का एक अमेजोन सेलर अकाउंट क्रिएट करके आपका जो ही प्रोडक्ट चाहिए वो पत्थर बेचते हैं ना, पत्थर पता है ना, आप अगर पत्थर बेचते तो वो पत्थर को भी अच्छी तरह फोटोग्राफ्स करके वो अमेजोन पे आप सेल कर सकते हैं और कमा सकते हैं करोड़ों रुपया तक मुनाफा। इंडिया पे ऐसे बहुत सारे सेलर हैं जो कि अमेजोन पे माल सेल करते हैं और महीने पे करोड़ों रुपया से प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब सेल तो उसका छोड़ ही दो, एडवर्टाइजमेंट लगा के बोलो, चाहे आप अमेजोन पे डायरेक्ट सेल आके उसका स्टोर रैंक हो गया अमेजोन पे वैसे तरह आप बोलो, चाहे कुछ भी करके करोड़ों रुपया आप भी कमा सकते हैं। लाइव प्रोसेस बिल्कुल पता चल गया इस वीडियो के अंदर, बने रहिए मेरे साथ, आपके भाई के साथ बने रहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए तब आपको पूरा प्रोसेस पता चलेगा। और एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है ना, आपका भाई सह नहीं पा रहा है, आप लोग जो भी कहेंगे मैं दिल खोल के आप लोगों के लिए बना दूंगा। आप लोग अगर चैनल पर नया है, अभी तक जो जो बंदा चैनल पर नया है भाई, प्लीज अपना भाई को सपोर्ट सब्सक्राइब करना ना, जल्द से जल्द 10K का जो हम लोगों का माइलस्टोन है वो कंप्लीट हो जाए, आपका भाई लोगों के पास पहुंच पाए, इसके लिए आपको एक वोट, वोट मतलब यूट्यूब का वोट मतलब सब्सक्राइब के अलावा कुछ नहीं होता है, एक सब्सक्राइब करके अपने भाई को मोटिवेट करना। चलिए आगे तरफ वीडियो पे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अमेजोन के अंदर हम लोग एक कैसे सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग अमेजोन पे माल प्रोडक्ट कुछ भी हो वो प्रोडक्ट हम लोग अमेजोन पे कैसे सेल कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग गूगल पर चले जाइए, गूगल पर जाने के बाद सर्च कर लीजिए कि अमेजोन सेलर। अमेजोन सेलर सर्च करने के बाद आपको एक अमेजोन का तरफ से एडवर्टाइजमेंट सामने आ जाएगा और दो नंबर पे अमेजोन सेलर नाम का amazon.in सामने आ जाएगा। आप अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं देख पा रहे तो आप अमेजोन सेलर amazon.in पर क्लिक कर दीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद आप जो अमेजोन का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जो कि स्टार लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो सामने आ जाएगा, वो पोस्टर भी आ जाएगा और बड़ा बड़ा करके लिखा आ जाएगा स्टार्ट सेलिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट सेलिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को। आप करोड़ों रुपया मुनाफा इनकम कर सकते हैं यहाँ पर 100%, मतलब अमेजोन तो 100% की बात ही नहीं आते, मतलब डेफिनेटली अच्छा साइट है। और नीचे आके कैसे आप सेल करेंगे बोल रहे कि बिकम ए सेलर ऑन लिस्ट योर प्रोडक्ट, आपको सबसे पहले आपका प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट करना होगा। दो नंबर कस्टमर बिजनेस प्लेस योर ऑर्डर, जब कस्टमर आपका प्रोडक्ट को ऑर्डर प्लेस्ड करेगा वो प्रोडक्ट आपको कस्टमर के पास डिलीवर करना पड़ेगा और आप कस्टमर जो आपको पैसा देगा वो पैसा अमेजोन की तरफ से आपका बैंक अकाउंट में 7 डेज के अंदर अंदर डाल दिया जाएगा। अमेजोन कुछ परसेंटेज रखकर पूरा पैसा आपके अकाउंट पर डाल देते हैं। अभी प्रोडक्ट ऑन COVID-19 के बाद जो प्रोडक्ट डिमांड हो गया है अमेजोन के अंदर वो है मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर, मेडिकल इक्विपमेंट, ग्रोसरी, होम प्रोडक्ट, किचन वेयर, क्लॉथ एंड शूज, अदरवाइज भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जो अमेजोन पे ऑल टाइम ट्रेंडिंग चलते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करने के बाद अमेजोन का जो जहाँ पे हम लोग शॉपिंग करते हैं वो एक अलग सा वेबसाइट है और जहाँ पे आप प्रोडक्ट सेल करेंगे वो वेबसाइट का नाम है sellercentral.amazon.in, जो कि ये वेबसाइट मैंने अभी घुस के आया हूँ। यहाँ पर आपका अमेजोन का जो पासवर्ड सेलर सेंटर का अगर लॉगिन किया हुआ है पहले से तो ठीक है, अगर आपका यहाँ पर अकाउंट बना हुआ नहीं है तो क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पर क्लिक कीजिए। आपको सबसे पहले अमेजोन सेलर पर अकाउंट तो नहीं होगा तो आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका नाम बैठाइए, यहाँ पर मैं लाइव डेमो आपको दिखा रहा हूँ करके, अपना मोबाइल एड्रेस डाल दीजिए, अपना मोबाइल नंबर, अब आपका ईमेल एड्रेस जो भी है वो डाल सकते हैं, सेलर पासवर्ड जो कि मस्टली होना चाहोगा आपका सेलर पासवर्ड वो डाल दीजिए। यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ।
अब सेलर इन्फॉर्मेशन पेज पे आपका स्टोर नेम फर्स्ट वाला ऑप्शन पे डालना होगा, एक तो फॉर्म ओपन हो जाएगा, वो फॉर्म आपको पूरा डिटेल्स आपको वेरीफाई करना होगा, सारा कुछ डील डालना होगा, आपका कौन सा कैटेगरीज पे सेल करना चाहते हैं वो भी डालना होगा, अगर आप फर्नीचर सेल करना चाहते हैं, बेबी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, किचन का सामान सेल करना चाहते हैं, बुक्स ग्रोसरी कुछ भी आइटम जो आइटम आप अमेजोन पर सेल करना चाहते हैं वो आइटम यहाँ पर डालना होगा। अब देखिए यहाँ पर WhatsApp वाला जो ऑप्शन जो है, यहाँ पर आपका जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो Amazon वालों ने आपको इसी नंबर WhatsApp पे, मतलब आपका व्हाट जो भी नंबर यहाँ पर देगा उसी नंबर पे अगर आपका WhatsApp है तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन भेजा ही जाएगा WhatsApp के दौरान Amazon वालों से। नीचे आ जाइए, आप मेन चीज़ आते हैं कि आप जब आप प्रोडक्ट का आपका ऑर्डर मिलेगा Amazon से कस्टमर से, तो वो प्रोडक्ट आप कैसे आपको डिलीवर करना चाहते हैं, क्या आप खुद डिलीवर करना चाहते हैं, तो आपका तब आपका होगा सेल्फ शिप। आप यहां पर Amazon Easy Ship में डिलीवर करना चाहते हैं, मतलब Amazon वालों ने आपका प्रोडक्ट उठाएगा आपका स्टोर से और वो कस्टमर के पास प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा, जो भी चार्जेस वगैरह है वो आपसे कट लेगा, कस्टमर के पास जो आप पेमेंट लेंगे उससे कट लेगा। अब फुलफिलमेंट पे, ये इसका मतलब है कि Amazon फुलफिलमेंट एक सर्विसेस एक तो सेंटर होता है जहाँ पर आपका प्रोडक्ट उसका स्टोर पे स्टॉक होकर रहता है, मतलब आपका प्रोडक्ट है लेकिन उसका स्टोर में उसका जो स्टोर रूम है वहाँ पर स्टॉक है, वही से आप Amazon वालों ने वो प्रोडक्ट उठाएगा और कस्टमर के पास पहुंचाएगा। Amazon फुलफिलमेंट का मतलब यही है, इसको FBA बोलते हैं। अब Amazon Easy Ship भी कर देते हैं यहाँ पर सिंपल, कोई हेडेक लेना नहीं चाहते कि ये मेरा स्टोर से Amazon माल उठाएगा और वहाँ से ले चल जाएगा। और फॉर Easy Ship के लिए यहाँ पर एक तो टिक करना होगा कि आई वॉन्ट Amazon पिकअप फ्रॉम लोकेट डी, कौन सा एड्रेस पे आपका एड्रेस है वही Amazon वहाँ पर आते क्या नहीं, सबसे पहले वो देखना होगा। 72153 मैंने यहाँ पर एड्रेस डाल दिया। अब देखता हूँ कि Amazon वालों ने यहाँ पर प्रोडक्ट उठाने आएगा या नहीं, बोल रहा है डेफिनेटली आएगा। आप अपना एड्रेस यहाँ पर दोबारा डालिए, आपका एड्रेस लाइन जो है पिकअप एड्रेस जो है, बेसिकली मैंने यहाँ पर पिकअप एड्रेस दोबारा डाल रहा हूँ, पिकअप एड्रेस डाल दिया, यहाँ पर आपका स्टोर के पे ले जाएगा। सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, वेरीफाई हो रहा है पेज। वेरीफाई होने के बाद देखिए प्लीज़ वेट, थोड़ा बहुत टाइम वेट करने के बोल रहा है। अब नेक्स्ट पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, इस पेज में आपको टैक्स डिटेल्स डालना होगा। बहुत सारे भाई मैसेज करते हैं कि भाई Amazon पे सेल करने के लिए क्या GST लगेगा क्या नहीं लगेगा, सारा कुछ डिटेल आपको बता रहा हूँ। देखिए बोल रहा है अपडेट योर टैक्स, आई हैव GST, अगर आपके पास GST है तब ठीक है, अगर आपके पास GST नहीं है मान लीजिए उसके लिए भी आपको ऑप्शन अवेलेबल है। पहले आपको आई हैव GST ऑप्शन पर अगर डालेंगे तो आपका सेलर लीगल नेम जो है, बिजनेस का नेम जो GST सर्टिफिकेट में है वो डालना होगा, GST नंबर और पैन नंबर डालना होगा। नेक्स्ट वाला ऑप्शन कि आई विल अपडेट लेटर, इसको मैं बाद में अपडेट करूंगा, इस GST वगैरह टैक्स को मैं अभी नहीं अपडेट करूंगा, ये ऑप्शन बोल रहा है। सेकंड वाला बोल रहा है कि आई सेल इन GST एग्जाम कैटेगरी, हम GST वालों कैटेगरी सेल करते हैं, बोल रहे कि हम जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उसमें GST लागू है इंडियन गवर्नमेंट से। तीन नंबर वाला ऑप्शन है कि आई डोंट हैव इट हैंडी विल अपडेट लेटर, हम इसको अभी नहीं करेंगे दोबारा करेंगे। आई हैव नेवर रजिस्टर्ड GST, बोल रहे कि हम GST रजिस्टर्ड नहीं है। देखिए क्या बोल रहे, GST इज रिक्वायर्ड टू सेल ऑन Amazon, इफ यू नॉट रजिस्टर्ड GST प्लीज क्लिक द लिंक बिलो टू अप्लाई, अगर आपके पास GST नहीं है तब इस अप्लाई नाउ पर क्लिक करके इसको अप्लाई कीजिए, देन Amazon पर सेल कीजिए। अगर GST वगैरह का मतलब बुक्स में जैसा GST नहीं लगता बुक में, तो आप बुक सेल करते हैं तो उसमें GST आपको नहीं लगेगा, तब बोलेंगे कि आई डोंट हैव हैंडी विट विल अपडेट लेटर, इसको करके आप करेंगे। अगर GST नहीं है तो आप सिंपल से इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करके आप देखिए इस पर क्या ऑप्शन आ रहा है, मैं लाइव आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। बोल रहा है कि टैक्स डिटेल्स मैंने, हाई कुशल यू आर ऑलमोस्ट देयर, बाद में टैक्स डिटेल अप्लाई करेंगे। अब देखेंगे कि Amazon वालों ने कि आपका टैक्स का प्रोडक्ट वो है क्या नहीं, का मतलब यही हुआ कि आप बाद में इसको अप्लाई करेंगे GST को, अभी आपके पास GST नहीं है। आप जब भी आप इसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे इस डैशबोर्ड के अंदर, तब Amazon वाला देखेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो GST के लिए लागू है या नहीं, अगर नहीं लागू है तो आपको प्रोडक्ट ऐसे ही लिस्टिंग हो जाएगा, अगर लागू है तब आपको GST भरना मैंडेटरी है। अब इसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करेंगे, देखिए लिस्ट द प्रोडक्ट यू विश टू Amazon स्टार्ट सेलिंग इन दिस कैटेगरीज प्रोडक्ट, फर्नीचर आप सेलिंग करते हैं मैंने पहले ही बता दिया था। हाउ टू लिस्ट योर प्रोडक्ट, कैसे आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना है, इसके लिए एक तो ट्यूटोरियल भी बने हुए हैं Amazon का तरफ से, ये ट्यूटोरियल देख लीजिए पूरा चेक कीजिए। एडिंग अ प्रोडक्ट ऑन amazon.in इज अ टू स्टेप प्रोसेस, इफ द प्रोडक्ट इज ऑलरेडी बीइंग सोल्ड यू जस्ट नीड टू ऐड योर प्राइस एंड। अब देखिए आपको प्रोडक्ट ऐड करने के लिए क्या क्या हो, आई हैव प्रोडक्ट विदाउट प्रोडक्ट आईडी GST,
हम जीएसटी एंड बारकोड के अलावा प्रोडक्ट सेल करेंगे। अप्लाई जीएसटी एग्जाम में, जीएसटी अगर नहीं है तब उसको अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए पहले आपका प्रोडक्ट का स्टार्ट लिस्टिंग पे क्लिक करना होगा। स्टार्ट लिस्टिंग में जब भी आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का बोल रहा है कि प्रोडक्ट नेम क्या है, उसका जो प्रोडक्ट का बार कोड का नेम होता है ना नंबर, वो वाला नंबर यहाँ पर डालने के बाद सर्च करना होता है। अगर आपके पास वो प्रोडक्ट का फोटो नहीं है, आई एम एडिट प्रोडक्ट नॉट सोल्ड इन कर सकते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट Amazon पे अपलोड नहीं हुआ है, Amazon पे सेल होता है, तब आप इसमें क्लिक करेंगे। अगर उसमें दोबारा Amazon पे ऑलरेडी अपलोडेड प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो तो इसमें क्लिक करके वो ही फाइल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। सिंपल सा यहाँ पर वो करके आप यहाँ पर लिस्टिंग कीजिए। सेकेंड ऑप्शन पे आ जाइए। जब आपका ये Amazon वगैरह आप सब पूरा कुछ, मतलब जब आपका GST वगैरह कंप्लीट हो गया, अब बोल रहे कि शिपिंग फी डिटेल्स, आप शिपिंग फी लेंगे क्या नहीं, ऑफर फ्री शिपिंग, मतलब फ्री शिपिंग ऑफर कर रहे हैं आपका कस्टमर को, और सेट ए फी, आप फी भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं लोकल के लिए। लोकल किसको बोलते हैं, मतलब आपके आसपास के अंदर, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, रीजनल मतलब आपके राज्य के अंदर, और नेशनल मतलब आपके राज्य से दूसरे राज्य के अंदर। ये आप फी आपका हिसाब के सेल सेट कर सकते हैं कि आप लोकल में कितना रुपीस फी लेंगे, रीजनल में कितना लगेंगे और नेशनल पे कितना लगेंगे, और आप फ्री शेड भी कर सकते हैं कि आप कस्टमर से शिपिंग फीस नहीं लेंगे, इसको आप सेव कर सकते हैं आपका मर्जी से ऊपर। बैंक अकाउंट डिटेल्स सबसे मैंडेटरी चीज़ है कि आप कौन सा बैंक अकाउंट पे आपका पेमेंट भेजेगा अमेज़न वालों ने, जो अमेज़न मतलब कस्टमर जो पेमेंट करेगा, वो बैंक अकाउंट होल्डर नेम डाल दीजिए, अकाउंट टाइप क्या है, करंट अकाउंट है या आपका ओवरड्राफ्ट या सेविंग अकाउंट, वो डाल सकते हैं आप। अकाउंट नंबर, री एंट्री अकाउंट नंबर और IFSC कोड आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटर टैक्स डिटेल, आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर टैक्स डिटेल बोल रहे हैं, सेलर लीगल नेम, GST नंबर और पैन नंबर। गाइस मस्ट बी रिक्वायर्ड GST फॉर सेलिंग इन Amazon। सेकेंड ऑप्शन पे है डिफिकल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड, आपका प्रोडक्ट का दूसरा टैक्स कोड है, प्रोडक्ट के पीछे जो रहता है टैक्स कोड, वो प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट और दूसरे कंपनी का है लेकिन सेल करते हैं आप, वही प्रोडक्ट का टैक्स कोड रहता है, वो टैक्स कोड यहाँ पर सिलेक्ट करके वो डाल सकते हैं। सिग्नेचर अपलोड सिग्नेचर करना होगा, आप ड्रॉ एक तो सिग्नेचर कर सकते हैं, यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, और आपका मतलब जो सिग्नेचर अपलोड अगर रहेगा तो आपके पास वो भी अपलोड कर सकते हैं, आप खुद का सिग्नेचर यहाँ पर कर सकते हैं ऐसे करके। उसके बाद कंफर्म करना होगा, कंफर्म करने के बाद आपका लॉन्च योर बिजनेस पे जब भी क्लिक करेंगे, मतलब इसको कंफर्म जब करेंगे, अपलोड सिग्नेचर हो गया, अब सारा कुछ डिटेल यहाँ पर जब प्रोडक्ट का डिटेल्स ऐड हो गया तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लॉन्च योर बिजनेस जब भी आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप Amazon वालों से वो वेरीफाई करेगा। यहाँ पर मैंने सारा कुछ डिटेल्स नहीं डाला हूँ इसीलिए ये डिटेल्स डाल के जब भी करेंगे Amazon वालों ने आपका प्रोडक्ट वेरीफाई करेगा, देखेगा कि वो GST के लिए लागू है क्या नहीं, सारा कुछ डिटेल वो चेक करके आपका प्रोडक्ट Amazon पे लॉन्च हो जाएगा। जब वो प्रोडक्ट आप सिंपल सा हम लोगों का प्यारा Amazon.in साइट पे आप देख पाएंगे, आप सर्च करके आपका स्टोर का नेम जो है वही नेम सर्च करके यहाँ पर देख सकते हैं, और आप इसमें एडवर्टाइजमेंट अगर लगाना चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे Amazon पे, मतलब जैसे कि अगर कोई सर्च करे कि ट्राइपॉड TRIPOD, देखिए आप लोगों के सामने मैं लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ट्राइपॉड अगर कोई भी सर्च करे तो यहाँ पर स्पॉन्सर्ड नाम का एक तो चीज़ आता है, सेलर का नाम होगा, जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेलर का नाम, ये क्या किया उसने, एडवर्टाइजमेंट लगा कर रखा है, Amazon वालों को पैसा देकर रखा है, बिजनेस सभी जगह चलते हैं, सभी ने देखी ये वाला नहीं है एडवर्टाइजमेंट वाला, यह स्पॉन्सर्ड वाला एडवर्टाइजमेंट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर पैसा देकर रखे हैं Amazon को, इसीलिए उसका प्रोडक्ट सामने आ रहा है। अगर मान लीजिए ट्राईपोड Amazon पे कितने हर टाइम 150-200 ऑल टाइम एवरी टाइम ऑर्डर आते हैं, उसमें से 4-5 तो ये लोगों का ऑर्डर आ ही जाएगा एडवर्टाइजमेंट वाला। अगर ये वाला देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे अपने भाई को बताइए, आपका भाई कमेंट पे बताएगा कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह कैसे लगाते हैं। सबसे पहले अपना खुद का एक तो फ्रेश Amazon अकाउंट लाइव प्रोसेस मैंने दिखा दिया, वो आप क्रिएट कर लीजिए, पूरा प्रोसेस पूरा ट्रिक खुलासा कर दिया कि Amazon पे कैसे आपको रजिस्टर्ड करना है, अकाउंट क्या करना, सारा कुछ डिटेल में चर्चा कर रही है आप लोगों के सामने, आप करेंगे या नहीं करेंगे आपका बात है, जो भाई ये वीडियो देख रहे हैं। आप अगर और कुछ साइट पे दूसरा साइट पे सेल करना चाहते हैं, आप फ्लिपकार्ट में सेल करना चाहते हैं, आप स्नैपडील, वो तो मिट ही गया मार्केट से, आप कुछ भी साइट बोलो क्या क्या है भाई मार्केट पे, और भी बहुत ई कॉमर्स साइट, वो सब पेटीएम पे, पेटीएम मॉल पे, ऐसा तरह अगर कुछ भी साइट पे अगर आप सेल करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका भाई बैठे हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, आपका भाई बना देगा वीडियो, कमेंट पर
जल्दी से बढ़ाइए। आपका अगर कुछ भी राय, कुछ भी ओपिनियन है, आप कैसे जल्द से जल्द अमेज़न का प्रोडक्ट सेल कैसे कर सकते हैं, मतलब आप लिस्टिंग करें 2-3 दिन के अंदर आपको ऑर्डर आने लग जाएंगे, ऐसे तरह अगर मतलब कुछ ट्रिक्स देखना चाहते हैं वो भी कमेंट पे बता सकते हैं। मैं रिसर्च करूंगा उस चीज के ऊपर और ला दूंगा आप लोगों के सामने, बैठा के वीडियो दिखा दूंगा कि भाई देख लो। एक लाइक करके अपने भाई को मोटिवेट करना, जैसे तरह प्यार कर रहे हैं, जैसे तरह आप लोग प्यार दे रहे हैं, वैसे तरह हमेशा मेरे साथ जुड़ के प्यार देते जाइए। आप लोगों का मतलब आपका भाई और भी ज्यादा ग्रो करेगा और आप लोगों को बना देगा, आप लोगों को खुश करेगा, आप लोग भी मुनाफा कमाएंगे आपका भाई का वीडियो देखकर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका कुछ सवाल है ओपिनियन बताइए, वीडियो को ज्यादा लंबा करें यही पे खाना करता हूँ। हर बार की जैसा वापस अगर वीडियो देखने के लिए और मेरे को प्रेम पूर्णक भक्ति देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम।